गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जीमेल के बारे में कुछ नया बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बिना इंटरनेट भी कर पाएंगे जीमेल का इस्तेमाल, जानिए कैसे। जीमेल को रीडिज़ाइन किया गया है। इसमें एक ऐसा फीचर जोड़ा गया है जिसके तहत जीमेल को ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जीमेल का इस्तेमाल ऑफिशियल और निजी काम के लिए किया जाता है। जीमेल का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तब क्या हो जब आपको महत्वपूर्ण मेल करना हो और आपका इंटरनेट डाटा ख़त्म हो जाए। आपको बता दें कि अब आप बिना इंटरनेट के भी जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में जीमेल को रीडिज़ाइन किया गया है। इसमें एक ऐसा फीचर जोड़ा गया है जिसके तहत जीमेल को ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जीमेल ऑफलाइन सपोर्ट के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट के भी मेल पढ़ सकते हैं, साथ ही में मेल कर सकते हैं। यही नहीं, इसके तहत अनचाहे मेल्स को डिलीट भी किया जा सकता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र वर्जन 61 की ज़रूरत होगी। इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद जीमेल के टॉप राइट में जाकर सेटिंग में जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद जो विकल्प आएंगे उनमें से सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। अब मेन्यू बार में तीन विकल्प मौजूद होंगे, उसमें ऑफलाइन टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑफलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद इनेबल ऑफलाइन मेल ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप बिना इंटरनेट भी जीमेल का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पहले जीमेल में यूजर्स के लिए अंडो सेंड फीचर ऐड किया गया था। यह फीचर जीमेल के एडवांस वर्जन में जोड़ा गया है। इस फीचर का 8.7 वर्जन रोल आउट किया गया है। इसकी मदद से भेजे हुए ईमेल को वापस लिया जा सकता है। इस फीचर को वर्ष 2016 में जीमेल अंडो सेंड फीचर के नाम से iOS पर उपलब्ध करा दिया गया था। आपको बता दें कि कई वर्षों की सेटिंग के बाद इस फीचर को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। अब आपको पता लग गया होगा कि हम जीमेल को ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।